दोस्तों, क्या आप जानते हैं पद्मावत के सेट पर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली पर कंट्रोवर्सी के चलते अटैक्स हुए थे, यहाँ तक कि सेट को आग भी लगाई गई थी। जी हाँ, चलो तो आज हम कुछ ऐसे बॉलीवुड मूवीज के बारे में बात करेंगे जिसने कई भारतीय लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था। नंबर वन है पीके। आमिर खान की पीके कितनी ज्यादा हिट हुई थी ये तो आपको पता ही है। ये मूवी जितनी फनी थी उतनी ही हार्ट टचिंग भी थी। इस मूवी को सिल्वर स्क्रीन पर जबरदस्त सक्सेस मिला था, जहां रिलीज होते ही पीके ने वर्ल्ड वाइड 854 करोड़ कमाए थे। लेकिन इस मूवी में कुछ ऐसे भी सीन्स थे जो कि इंडियन सेंटिमेंट्स को हर्ट हुए थे, जैसे कि ये सीन जहां भगवान शिवा का रोल करने वाले इस इंसान को पीके डरा देता है और फिर उसके पीछे भागता है। तो ऐसी चीजें लोगों को हर्ट हुई थी क्योंकि एट सम पॉइंट लोगों का ये मानना था कि ये सीन्स उनके रीति रिवाजों का डिसरिस्पेक्ट कर रही है। अब रिलीजन और भगवान को लेकर इंडियंस कितने सेंसिटिव है ये मुझे अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन सारे डिस्प्यूट्स के चलते इस मूवी के अगेंस्ट कई केसेस फाइल हुए थे। स्पेशली जो राइट विंग एक्टिविस्ट थे उन्होंने इस मूवी के अगेंस्ट मेजर प्रोटेस्ट किया था। नंबर टू पर है द डर्टी पिक्चर। एक वक्त ऐसा था जब विद्या बालन को अपने बोल्ड मूवी चॉइसेस के लिए कई अवार्ड्स मिलते थे। एक टैलेंटेड एक्ट्रेस जो कि अपने परफॉर्मेंस से मूवीज में आग लगा देती थी। लेकिन 2011 में रिलीज हुई द डर्टी पिक्चर विद्या बालन जी की वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी है। इस मूवी के पोस्टर्स इतने बोल्ड और प्रोवोकेटिव थे कि इंडिया में कॉन्ट्रोवर्सी तो होनी ही थी। सिल्क स्मिथा, जिसके लाइफ पर यह मूवी बेस्ड थी, उनके भाइयों ने फिल्म मेकर्स को लीगल नोटिसेस भी भेजे थे क्योंकि मूवी में दिखाया गया कंटेंट बहुत एक्सपोजिव था। यहां तक कि मूवी रिलीज होने के सिर्फ 3 हफ्तों बाद ही इस मूवी को टीवी स्क्रीनिंग के लिए बैन कर दिया गया था। विद्या बालन जी पर भी इस मूवी के बाद कई आवाज उठाए गए थे। नंबर 3, लिपस्टिक अंडर माय बुरखा। इस मूवी का नाम आपने शायद सुना होगा, है ना? 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म को जेंडर इक्वालिटी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। लेकिन ये मूवी रिलीज होने से पहले ही इस मूवी ने कई डिस्प्यूट्स खड़े किए थे। CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने लिपस्टिक अंडर माय बुरखा को सर्टिफाई करने से भी मना कर दिया था क्योंकि इस मूवी में कई सेक्सुअल कंटेंट और अब्यूजिव वर्ड्स यूज किए गए थे। दरअसल इस मूवी में फीमेल फैंटेसीज के डिस्कशंस हाईलाइट किए थे, लेकिन कुछ कंसर्न्ड अथॉरिटीज के चलते ये फिल्म एक फेलियर मानी गई। नंबर 4 पर है पद्मावत। संजय लीला भंसाली की ये मूवी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल मूवी थी। इस मूवी में राजपूत क्वीन पद्मावती पोर्ट्रे की गई थी, लेकिन इस मूवी ने राजस्थान और गुजरात में कई डिस्प्यूट्स लाए थे क्योंकि इस मूवी ने कई रिलीजियस कम्युनिटीज के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था। गुजरात और राजस्थान में ये मूवी रिलीज करने से पहले ही बैन कर दी गई थी। लोगों ने पोस्टर्स जलाकर कर्फ्यूज भी लगाए थे, यहां तक कि फिल्म मेकर्स पर डेथ थ्रेट्स भी पास किए गए थे और डायरेक्टर पर तो सेट्स पर अटैक भी हुए थे। लेकिन फिर भी बाद में ये मूवी एक बहुत बड़ी हिट रही थी, जहां इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 585 करोड़ कमाए थे।